सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में 30% वाहन चालकों के पास फर्जी नाम से ड्राइविंग लाइसेंस हैं। अलग अलग राज्यों से एक ही ड्राइवर कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर वाहन चला रहे हैं। बता दें, गडकरी ने यह बात सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता कार्यक्रम में कही। जानकारी के लिए बता दें, एक स्वयंसेवक संगठन के सदस्य कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर आम जनता को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। पिछले दिनों इसकी शुरुआत होने पर बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें 400 से अधिक लोगों ने कश्मीर तक पैदल यात्रा में हिस्सा लेने का फैसला लिया है। एनजीओ ने लोगों से 100 करोड़ से अधिक पैदल कदम का दान यात्रा में शामिल होने का करने का आह्वान किया है। नितिन गडकरी ने एनजीओ के इस अनूठे प्रयास की सराहना करते हुए कहा है कि सरकार सड़क सुरक्षा सदन करने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें हाईवे डिजाइन में सुधार, वाहनों की डिजाइन बेहतर करना, ब्लैक स्पॉट की पहचान, चालकों को परीक्षण देना शामिल है। उन्होंने कहा कि फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस भी एक बड़ी समस्या है। ड्राइवर विभिन्न राज्यों से एक ही नाम से कई ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं। देश में 30% ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है। इसकी रोकथाम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। बिना परीक्षण के लाइसेंस जारी करने पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ड्राइवरों को परीक्षण देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण संस्थान खोल रही है। बगैर परीक्षण के कारण बने ड्राइविंग लाइसेंस से ड्राइवरों द्वारा बड़े पैमाने पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। गडकरी ने माना कि देश में 22 लाख व्यावसायिक ड्राइवरों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए कुशल कार्यबल तैयार किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा, भारत में चालक रहित कारों को अनुमति देने का सवाल पैदा नहीं होता है। ऐसा करने से युवाओं में रोजगार के अवसर घटेंगे। वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।